रैम वोलाटाइल या अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि रैम जो है इसमें क्या होता है, इसे रेट राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। गलत बात है बच्चे। होता क्या है कि रैम पर जब भी हम चर्चा करते हैं, रोम पर, रैम पर जब भी चर्चा करते हैं, तो रैम का मतलब क्या होता है? रैम का मतलब होता है रैंडम एसेस मेमोरी, रैंडम एसेस मेमोरी होता है। और इस मेमोरी में क्या होता है, आपको जैसे ही सिस्टम आपका बंद होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बार बार हम बोलते हैं, इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है, वोलाटाइल मेमोरी इसे कहते हैं। और जैसे ही सिस्टम, जैसे ही, ठीक है, आपको पावर सप्लाई ऑफ होता है, पावर सप्लाई ऑफ होता है, ये क्या होगा, पावर सप्लाई ऑफ होता है तो ये क्या होगा, आपको यह, ठीक है, यह मेमोरी गायब हो जाता है, यह मेमोरी आपको गायब हो जाता है। एकदम याद रखिएगा, गायब हो जाता है, यानी आपको सिस्टम से ये मेमोरी कार्ड करना बंद कर देगा। तो इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की ज़रूरत हमको पड़ती रहती है, इसीलिए यह मेमोरी को हम वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से इपरोम के बारे में सही नहीं है। तो इपरोम में रैंडम एक्सेस मेमोरी, मिटाने वाला प्रोग्राम, रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, क्रमानुसार मेमोरी। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, इपरोम जो है क्रमानुसार मेमोरी, सिक्वेंशियल मेमोरी नहीं है। एकदम ध्यान में रखना है, इपरोम, इपरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इपरोम इरेजेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, एकदम ध्यान रखिएगा, प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है। और ध्यान में रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी होता है। और ये जो मेमोरी है आपको क्या है, तो बच्चे सिक्वेंशियल मेमोरी नहीं है, सिक्वेंशियल मेमोरी नहीं है। एकदम ध्यान में रखिएगा, एसक्यूएल में यह नहीं आता है, मेमोरी नहीं है बच्चे, मेमोरी नहीं है, सिक्वेंशियल मेमोरी नहीं होता है। कौन? आपको इपरोम। ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपको इपरोम में हमको क्या करना होता है, किसी भी मेमोरी को रिप्लेस करना होता है, तो हम यूवी रेज का उपयोग करते हैं। यूवी रेज द्वारा इस मेमोरी को हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस किया जा सकता है इस मेमोरी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? अच्छा क्वेश्चन है बेटा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर चर्चा कर रहा है, तो अवीरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, ठीक है, अवीरा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, अवीरा, अवीरा आपको क्या है, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और ध्यान में रखिएगा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है, बहुत सारा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस होता है। जनरली यह इंटरनेट पर कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर है बच्चे, ये इंटरनेट पर यह सॉफ्टवेयर काम करता है, इंटरनेट पर बच्चे, आपको याद रखना है कि इंटरनेट पर कार्य करने वाला, इंटरनेट पर किसी तरह के वायरस का, इंटरनेट पर कार्य करता है, इंटरनेट पर किसी प्रकार के वायरस का आक्रमण नहीं हो, इसकी वजह से यह आपको क्या काम करता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। बच्चे याद रखना है कि मैकेफे, ठीक है, आप क्विक हिल, ठीक है, मैकेफे, क्विक हिल, आपको कैप्रेस्की, ये सब जो है आपको सभी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैड क्या है? तो बच्चे कैड जो है कंप्यूटर, कंप्यूटेड एडेड डिज़ाइन है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, याद रखिएगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, एडेड डिज़ाइन होता है। और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो ऑटोमोबाइल यानी डिफरेंट डिज़ाइंस, ठीक है, आपको कंप्यूटर के उपयोग द्वारा, कंप्यूटर के उपयोग द्वारा हम लोग क्या करते हैं, डिजाइंस का निर्माण करते हैं, कंप्यूटर के उपयोग द्वारा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स डिज़ाइन का निर्माण करेंगे, डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स डिज़ाइन का निर्माण करते हैं, डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स डिज़ाइन का हम लोग निर्माण करते हैं, ऑटोमोबाइल्स डिज़ाइन बनाते हैं बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, डिज़ाइन का निर्माण करते हैं, याद रखना बच्चे। तो ये क्या होगा, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी सी बेसिक, कोबोल और जाबा, सी सी लैंग्वेज होता है, सी सी प्लस प्लस, ठीक है, बेसिक बेसिक भी लैंग्वेज होता है बेटा, कोबोल, ठीक है, कोबोल जो है कॉमन बिजनेस लैंग्वेज होता है, जाबा पहला आपको गेमिंग लैंग्वेज है, तो ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा बच्चे, हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। और इसका विकास आपको 1950 से 1970 के बीच में किया गया था, हाई लेवल लैंग्वेज का विकास, और बहुत सारे लैंग्वेज का उपयोग हम लोग वर्तमान में करते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा। कोबोल जब भी आएगा तो ये क्या होगा, कॉमन
बिजनेस लैंग्वेज होता है, कॉमन बिजनेस लैंग्वेज होता है। बिजनेस में कार्य करने के लिए हम लोग इसका कॉमन बिजनेस लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, ध्यान में रखना है आपको बार बार, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और ज़ाबा मैंने कहा कि फर्स्ट गेमिंग लैंग्वेज के रूप में इसी का प्रयोग किया गया था। फर्स्ट गेमिंग लैंग्वेज के रूप में इसी का उपयोग हम लोग किए थे, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। GUAGE लैंग्वेज के रूप में इसका प्रयोग किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तीन परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो बच्चे, बीज के अंकुरण के लिए उचित तापमान, जल और ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है। बच्चे, बीजों के अंकुरण, बीज को आप रख दीजिए भूमि के अंदर, और बीज क्या होगा, तो ये देखिए जड़ का निर्माण करेगा और ये तना का निर्माण करेगा, तना बनाएगा और ये क्या बनाएगा, जड़ बनाएगा। जनरली तना का निर्माण प्रांकुर करता है बेटा, प्रांकुर करेगा, तो प्रांकुर और ये निर्मित होगा। जनरली जर्मिनेशन के लिए दो काम आपको करना ही पड़ेगा। पहला काम क्या करना पड़ेगा, तो बच्चे ठीक उसको ठीक आर्द्रता देना पड़ेगा, दूसरा क्या ऑक्सीजन देना पड़ेगा, तीसरा तापमान का होना बहुत आवश्यक है। यानी तीन चीज का होना बहुत आवश्यक है, उचित तापमान, जल और ऑक्सीजन का होना बहुत बहुत आवश्यक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। यानी एक बीज के अंकुरण के लिए तीन परिस्थितियों का होना बहुत आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बीजों के प्रकीर्णन में सेंसर विधि, ठीक है, आपको पोस्ते में प्रयोग होता है बच्चे, पॉपी। आपको पता है कि पॉपी सेमिनिफेरम से क्या बनता है बच्चे, इससे अफीम और हीरोइन, ठीक है, इत्यादि का निर्माण किया जाता है। हीरोइन इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। कॉटन जो है ये कार्बोहाइड्रेट के निर्मित होते हैं, तो ध्यान में रखना चाहिए। मक्का याद रखना बच्चे कि मक्का जो है जिमेज कहलाता है, और आजकल मक्का के बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट देखिए, लैगिंग विधि क्या होता है बच्चे, क्या होता है लैगिंग विधि में, आपको ध्यान में रखिएगा, लैगिंग विधि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैगिंग विधि में हम लोग क्या करते हैं कि आपको बार बार हर दो तीन महीने के उपरांत हम लोग क्या करते हैं, तो पोषक पदार्थ याद रखिएगा, ठीक है, आपको खाद्यान्नों में कोई भी खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न में हम क्या करते हैं, खाद्यान्न में पोषक पदार्थों का कैलकुलेशन करते हैं, पोषक पदार्थों का निर्धारण करते हैं। यानी पोषक पदार्थ में कितना आपको उस खाद्यान्न में कितना, ठीक है, पोषक पदार्थ है, इसको कैलकुलेट करने का काम हम लोग करते हैं। यानी फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौधे का विश्लेषण अगर करेंगे, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चे, लैगिंग विधि कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, लैगिंग विधि कहा जाता है। चलिए, विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से यह संबंधित है, एकदम ध्यान में रखिएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो आपको बहुत सारे जीव जंतुओं, ठीक है, या आपको कहिए मानव को हम विश्लेषित करके उसके डीएनए सीक्वेंसिंग को अरेंज करते हैं बच्चे, और फिर जाकर के भविष्य में उसके उपयोग के लिए हम लोग रखते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रजाति है, जैसे सोमपेन है या मंगलॉयड है, निग्रोइड है, ये सब जो प्रजाति है उसको हम क्या करेंगे, तो उसको भविष्य के लिए उसके जीन के अध्ययन के लिए हम लोग रखते हैं, इसे ही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहा जाता है, ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, बच्चे क्या होता क्या है कि जब आप डीएनए के सीक्वेंस को काट करके फिर आपको अच्छे वैरायटी के पौधे के निर्माण के लिए उस डीएनए सीक्वेंसिंग का अरेंजिंग करते हैं, और फिर जाकर के नए पौधे का, ठीक है, पौधे का विकास होता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका काम करते हैं। देखिए, पौधे की विभिन्न जातियों में, ठीक है, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में और जंतुओं से पौधे में, ठीक है, के विकास के लिए हम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं बच्चे। होता क्या है, सुनिए मेरी बात को, जैसे जीन, आपको पता है जीन क्या होता है, ये इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड होता है, और मान लीजिए अच्छा जीन का गुण यहाँ पर पाया जाता है, इसको हम काट लेंगे, काटने के लिए डीएनए को काटने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो एकदम याद रखिएगा, डीएनए को काटने के लिए हम यूज़ करते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियज का,
रेस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियस का प्रयोग करते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, इंडो न्यूक्लियस का यूज करते हैं। और ये जो डीएनए को जब काट लेंगे तो इस डीएनए का को हम लाइगेज एंजाइम के द्वारा जो वाइल्ड वैरायटी है जिसमें आपको जीन का सुधार करना है उसमें इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो जो नया पौधा या प्रजाति बनता है उसका गुण जो होगा, ठीक है, पुराने प्रजाति से ज़्यादा बेहतर होता है। तो और इसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं बच्चे। तो पौधे के विभिन्न जातियों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में, जंतुओं से पौधे में, इस प्रकार हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। चलिए जरा इसको देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया था बच्चे डीएनए कैंची में किसका प्रयोग करते हैं, एकदम याद रखिएगा, डीएनए कैंची यानी डीएनए सीजर्स में किसका प्रयोग करते हैं, बार बार मैं बताता रहता हूँ। इसके लिए हम यूज़ करेंगे रेस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियस का, रेस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियस का प्रयोग करते हैं, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे, इंडो न्यूक्लियस का यूज़ करते हैं। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, लाइगेज की बात करेंगे। लाइगेज जो होता है वह क्या होता है, तो एकदम याद रखिएगा, डीएनए को चिपकाते हैं या सीते हैं, डीएनए को सीते हैं बच्चे, सीते हैं इसके द्वारा और नए जीन को बोलते हैं डीएनए को निकालते हैं इससे। ये देखिए, ये रेस्ट्रिक्टेड इंडो न्यूक्लियस मतलब आणविक कैंची हो गया, लाइगेज मतलब क्या हो गया, तो आणविक सिवन कर हो गया, बच्चे इसको सीते हैं। तो यहाँ पर आपको कौन सही है, तो लाइगेज सही है बच्चे। डीएनए के प्रोटीन भाग को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, एकदम याद रखिएगा, डीएनए का प्रोटीन भाग ये क्या कहलाएगा, तो प्रोटीन भाग ही आपको कहलाता है जीन, क्या कहलाता है, जीन कहलाता है, एकदम याद रखिएगा, डीएनए के प्रोटीन भाग को हम जीन कहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, कि दिया गया है बच्चे डीएनए परीक्षण हेतु नमूने, बच्चे रुधिर कोशिकाओं से नमूने प्राप्त हो सकते हैं, अस्थि से भी प्राप्त हो सकता है, लार से भी प्राप्त हो सकता है, बाल रज्जू से भी प्राप्त हो सकता है, यानी सभी जगहों से आप डीएनए सैंपल प्राप्त कर सकते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, डीएनए सैंपल हम हर जगहों से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3 4, यानी ठीक है, डीएनए जो है यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और डीएनए जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या करता है, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर ट्रेवल करता है जनरेशन तक, ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को लेकर गमन करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है बच्चे, इन्फॉर्मेशन लेकर गमन करता है, ध्यान में रखिएगा, लेकर गमन करता है यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जे आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ले जाने का काम कौन करेगा, डीएनए करेगा, यानी आपके शरीर के प्रत्येक अंग में आपका डीएनए अवेलेबल है और उसको उसके सैंपल को वहां से कलेक्ट कर पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का निर्माण करके छोटे से डीएनए के नमूने को लंबा डीएनए नमूने बनाकर हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डीएनए टेस्टिंग किया जाता है और इसी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है, तो बच्चे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है बच्चे, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ध्यान में रखिएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रक्रिया का विकास किया था किसने, तो बच्चे ये किया था विकास, आपको याद रखना, एलेक जेफरीज ने किया था और भारत में अगर कहें तो ये किया था प्रोफेसर लाल सिंह ने किया था। याद रखिएगा, ये मान लीजिए डीएनए आपका है और उसके कुछ नमूने को हमने कट काट लिया, ठीक है, ये डीएनए का सैंपल है, उस डीएनए के सैंपल को हम क्या करते हैं, तो बस बच्चे सैंपल को, ठीक है, सैंपल को लेने के बाद हम क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग विधि के द्वारा उसका पीसीआर चेन बनाते हैं और इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग करते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का यूज़ करते हैं और पीसीआर बना लेते हैं और फिर जाकर के ठीक उपलब्ध डीएनए के सैंपल से उसको मैच करते हैं, तब जाकर के अगर, ठीक है, मान लीजिए डीएनए का नमूने कहीं से हम प्राप्त किए,
ठीक है, फॉरेंसिक सैंपल प्राप्त किए और जिस व्यक्ति पर हमको शक है उसके डीएनए को लेकर के हम दोनों को मैच किए, अगर डीएनए मैच हो गया तो वो व्यक्ति अवेलेबल है और इसे कोर्ट भी मांगती है बच्चे। तो क्या कहा है हमने, डीएनए के उपलब्ध नमूने से हम पीसीआर चेन बनाते हैं और जिस व्यक्ति पर हमको शक है उस व्यक्ति के डीएनए से उस सैंपल को हम क्या करते हैं, टैली कराते हैं। अगर अगर क्या होगा तो बच्चे, अगर मिल जाता है तो समझ जाइए आपको क्या होगा, तो ठीक है, तो सैंपल दोनों आपका अवेलेबल है, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है, एकदम सही है बच्चे। क्लोन में माता पिता यानी माता होगा तो माता का क्लोन होगा, पिता होगा तो पिता का क्लोन होगा, याद रखना है। क्लोन में कभी भी दो, ठीक है, दो जीव नहीं होते, ध्यान में रखें बच्चे। क्लोन में, क्लोन मान लीजिए मेरा क्लोन बनाना है तो मेरा क्लोन बनाना है तो केवल हम क्या करेंगे, हम अपने क्लोन से, हम अपने स्टेम सेल से, कौन सा सेल, स्टेम सेल से, यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे, तो आपको छोटा सा नमूना प्राप्त करेंगे, यानी स्टेम सेल प्राप्त किए, अब उसको एप्रोप्रिएट मीडियम प्रोवाइड किए तो नए जीव का विकास हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि यह क्लोन जो है वह अलैंगिक विधि से उत्पन्न होता है, इसके लिए लैंगिक विधि की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं, गलत बात है बच्चे। समान जुड़वा, जुड़वा अलग चीज है, जुड़वा लैंगिक विधि के द्वारा, ठीक है, निर्मित होता है। जुड़वा जो है लैंगिक विधि के द्वारा निर्मित होता है बच्चे। जुड़वा में क्या होता है, मान लीजिए कोई उभा है और यदि दो स्पर्म से उसने ये कर लिया, बाद में वह क्या हुआ, क्लिवेज होने के बाद वह दो भागों में टूट करके गर्भ में, ठीक है, आपको गर्भाशय में, ठीक है, स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, तो दो नए जीवों का विकास हो जाएगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। चलिए, अंटार्कटिका में किसके निर्माण के दौरान ओजोन परत का क्षरण हुआ है, तो फ्रियोन के निर्माण के दौरान, और ये क्या है, तो CCl2F2 है और इसको हम फ्रियोन कहते हैं। फ्रियोन जो है CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और अंटार्कटिका में ये देखिए इसका जो क्लोरीन आयन होता है, एक क्लोरीन आयन 1,00,000 ओजोन अणुओं को, एक क्लोरीन आयन 1,00,000 ओजोन अणुओं को तोड़कर क्या करता है, ऑक्सीजन में बदल देता है, अणुओं को तोड़कर क्या करेगा, तोड़कर आपको बदल देता है ऑक्सीजन अणु में बदल देता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहाँ देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड जो है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो है अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक होते हैं, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होगा, एकदम याद रखना बेटा, अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हास्रक पदार्थ के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग बच्चे सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में यूज होता है। ये ध्यान में रखिएगा कि बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा, देखिए बहुत बहुत लाजवाब प्रश्न है बच्चे। कह रहा है कि आपका जो, ठीक है, जो आपका क्या है, जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं बच्चे, तो ध्यान में रखिएगा हम क्या करेंगे, सुघट्य फोम के निर्माण में करते हैं बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। और कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में भी करते हैं, और ठीक है, एरो सॉल्केन में दबावकारी एजेंट के रूप में भी करते हैं, इसका उपयोग पेंट में भी किया जाता है बच्चे। ठीक है, आपको ट्यूबलेस टायर के निर्माण में नहीं करते, ट्यूबलेस टायर के निर्माण में हम नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। 1, 3 और 4 हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए देखिए बेटा, जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने के कारण क्या है बच्चे। तो आपको पता है आजकल क्या होता है कि जलीय स्रोत में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है, और इसका मुख्य कारण बहिश्रावी है बच्चे, यानी आपको एग्जुटेशन है बच्चे। क्या होता है कि आपको ये जलीय स्रोत है और इसमें मान लीजिए इंडस्ट्री से और उद्योगों से कुछ पदार्थ आकर के इसमें मिल गया या कोई अन्य क्षेत्र से इसमें कुछ पदार्थ मिल गया, जिससे ये जल जो है वो क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा, और इसका जो ऑक्सीजन, ठीक है, वहन की क्षमता है वो भी घट जाएगी, इससे आपको जल जो है वो क्या होगा, विषैला हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर क्या होगा, बहिश्रावी, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखिए, जापान में इटाई रोग किसकी वजह से होता है, तो इटाई रोग का आपको प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण के कारण होगा, तो आंसर केवल 3 होगा बच्चे। आपको पता है कि मरकरी के कारण क्या होगा, मरकरी के प्रदूषण के वजह से
आपको जल के मरकरी के प्रदूषण की वजह से मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। बच्चे नाइट्राइट के प्रदूषण से क्या होगा, नाइट्राइट के प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जबकि आपको पता होगा साइनाइड जो है ये कैंसर उत्पन्न करता है, और आर्सेनिक जो है ये ब्लैक फूट रोग, आर्सेनिक जो है ये ब्लैक फूट रोग उत्पन्न करता है, ब्लैक फूट रोग उत्पन्न करता है, फूट रोग उत्पन्न करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, रोग उत्पन्न करता है। कौन सा, ब्लैक फूड रोग उत्पन्न करता है बच्चे, ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के मुख्य घटक परंतु वायु में ये परस्पर अभिक्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, क्योंकि यह देखिए बच्चे आपको क्या होता है कि तभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्पार्क होगा। अगर इलेक्ट्रिक स्पार्क नहीं होगा तो कभी भी आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वातावरण में आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण नहीं कर सकता है बच्चे। तो यह अभिक्रिया क्या होती है, उष्मा शोषी होती है और इसे उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ठीक है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन वायु के मुख्य घटक हैं परंतु वायु में ये परस्पर अभिक्रिया नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन को ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया उष्मा शोषी है और इसे उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है, सल्फर डाइऑक्साइड दांत, ये देखिए सही सुमेलित है, मिथाइल आइसोसैनेट, बच्चे ओजोन छिद्र चर्म कैंसर केवल यही सुमेलित है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, ये दांत खत्म कर दीजिए, अम्ल वर्षा कर दीजिए यहाँ पर, अम्ल वर्षा, और बेटा फ्लोराइड प्रदूषण, ये दांत हो गया, दांतों का क्षरण, दांतों का क्षरण होगा, दांतों का क्षरण होगा, एकदम याद रखिएगा। और मिथाइल आइसोसाइनेट, ये हो गया भोपाल गैस त्रासदी, और ओजोन छिद्र चर्म कैंसर, बच्चे ओजोन छिद्र के होने से, ओजोन छिद्र के होने से एकदम ध्यान में रखिएगा, ओजोन छिद्र के होने से, छिद्र के होने से क्या होगा, होने से आपको क्या होगा, तो बच्चे चर्म कैंसर होता है, क्योंकि आपको पता है कि ओजोन छिद्र होने की वजह से आपका जो है यूवी किरण पृथ्वी पर आसानी से आ जाएगा और वो पृथ्वी पर चर्म कैंसर उत्पन्न करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेश, बच्चे चित्र अगर होगा तो आपको पता है आयाम मॉड्यूलेशन, याद रखना है, चित्र, चित्र मतलब आयाम मॉड्यूलेशन, चित्र मतलब हो गया आयाम मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन होगा। और अगर हम बात करते हैं कि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में ध्वनि हो गया, आवृत्ति मॉड्यूलेशन मतलब क्या हुआ, ध्वनि हो गया, मॉड्यूलेशन में ध्वनि, ध्वनि ध्वनि होता है बच्चे, ध्वनि होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ध्वनि होगा, तो आवृत्ति मॉड्यूलेशन मतलब ध्वनि और आयाम मॉड्यूलेशन मतलब चित्र, तो चित्र पूछ रहा है तो आयाम मॉड्यूलेशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जब इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड और कलस्टर जंक्शन रिवर्स बायस्ड हो तो ट्रांजिस्टर का पलन, ट्रांजिस्टर का आपको प्रचालन कैसा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, तो याद रखिएगा यह आपको मैंने क्या कहा, एनपीएन, बच्चे एनपीएन में जब इमिटर जंक्शन, बच्चे इमिटर क्या होता है, इमिटर ये हो गया आपको, ये हो गया क्या, तो इमिटर ये क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, कलेक्टर हो गया बच्चे, कलेक्टर, कह रहा है कि इमिटर जो है आपको काम करेगा फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस एकदम ध्यान में रखिए, फॉरवर्ड बाइस्ड करेगा, फॉरवर्ड बाइस्ड करेगा, और आपको कलेक्टर जंक्शन जो है रिवर्स बाइस करेगा, ये रिवर्स बाइस करेगा, रिवर्स बाइस करेगा, एकदम ध्यान में रखिए बच्चे। अब क्या होगा, तो आपको ट्रांजिस्टर का प्रचलन किधर से किधर की ओर होगा, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, ट्रांजिस्टर का ये जो होगा वो एक्टिव क्षेत्र में होगा, और यही अगर क्या होता है तो आपको उल्टा अगर करते हम तो वहाँ पर क्या होता है, तो आपको परिपूर्ण क्षेत्र यानी कट ऑफ क्षेत्र में होगा, यानी एक्टिव क्षेत्र में ये होगा बच्चे। एनपीएन, एनपीएन ये एनपीएन जो है इसमें एक इमिटर होता है, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर होता है, याद रखिए। अगर अगर हम एन को, एन को, एन को यानी पी को अगर पॉजिटिव से और एन को अगर निगेटिव से करते हैं, ये देखिए दो दो लेते हैं, पीएन जंक्शन मान लीजिए, पी को कर दीजिए पॉजिटिव से अटैच कर दीजिए बैटरी के धन ध्रुव से और एन को निगेटिव से कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं क्या, तो बच्चे इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। लेकिन एन को अगर पॉजिटिव से बैटरी के पॉजिटिव ध्रुव से, ठीक है, और आपको, ठीक है, एन को पॉजिटिव ध्रुव से और पी को कर देते हैं निगेटिव ध्रुव से, तब जो आपको संयोजन होता है उसे हम रिवर्स बायस कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, बार बार इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में करते हैं, बच्चे बर्तनों को चमकीला बनाने में जिंक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, जबकि एलम आपको पता है पोटास एलम होता है, पोटास
एलम होता है पोटास एलम होगा, ये ध्यान में रखिएगा पोटास एलम होगा। और इसको बोलते हैं K2SO4 इंटू Al2SO4 हॉल 3 इंटू 24S2 होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पोटास एलम होता है, पोटास एलम होता है। कैलोमिल, कैलोमिल आपको पता है Hg2Cl2 होता है, कैलोमिल कहते हैं इसको। जिंक क्लोराइड, ये देखिए लकड़ियों को चमकाने के लिए, लकड़ियों पर पेंट करने के लिए जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए पॉली कार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं, पॉली कार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं, एकदम याद रखिएगा किसका प्रयोग करेंगे, पॉली कार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं। बच्चे पॉली विनाइल क्लोराइड PVC पाइप बनाने में, PVC किस में बनाने में, पाइप बनाने में इसका उपयोग होता है, पाइप बनाने में उपयोग करेंगे। फिर देखिए पॉली एथिलीन, ये देखिए इथीन का बहुलक होता है और आपको पॉलीथीन बनाने में इसका उपयोग होता है, जबकि पॉली कार्बोनेट का उपयोग हम लोग करते हैं किस में, तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में, जबकि पॉलीअमाइड का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में करते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट में करेंगे, एकदम ध्यान में रखिएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट में किया जाता है, किसका, पॉलीएमाइड का प्रयोग। तो ये बातें याद रखिए, बार बार इस तरह से आप ध्यान से देखिए इस सेट को, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ बच्चे कि ये जो साइंस एंड टेक का सेट है ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। आप सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे 5 रुपये की बात है, आप लगातार 5-6 महीने कीजिए, देखिए कितना डेवलपमेंट आपके, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में होता है, आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप प्रिपेयर हो जाइएगा। चलिए मिलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।